घर में वो मैंने टेस्ट किया था शुगर का, तो उसमें तो वो कि आप कौन बताएगा आइसक्रीम हुरब ने जो कह रही थी चावलों वाली आइसक्रीम या कि ज्यादा इस वक्त जो परेशानी है ना नूरीन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जिस हाल में खत्म हो गया दूसरा दिन अब घर बैठे हैं, लेकिन अल्लाह बेहतर। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मैंने किए थे यहाँ आलू बॉइल, बच्चे कह रहे थे कि आलू वाली टिक्कियाँ आज खानी हैं, तो मैंने आलू उबाल ली हैं। अभी मेरे काफ़ी काम करने वाले पड़े हुए हैं, मैंने ना मशीन लगाई हुई थी तो वो कपड़े भी समेटने हैं अभी, और सफाई भी करनी है। तो यहाँ बैठे हुए हैं जी रेहान, रेहान की मिन्नत करती हूँ कि वो आलू छील दें, मैं इतना बाकी काम कर लूँ, ये आलू तो ज़रा छील दो जी। मिन्नत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं छील देता हूँ जनाब। हाँ जी, बड़े परेशान परेशान हाल बैठे हुए हो, खैर है? बस अब आपको पता तो है, मैं क्या बताऊँ। हाँ जी, तो रेहान की हो रही थी तबीयत ख़राब काफ़ी दिनों से, तो हमने कल डॉक्टर से बात की है, उन्होंने इनके कुछ टेस्ट लिख के दिए हैं, इनके हमने करवाने हैं टेस्ट भी, तो देखें टेस्टों में टेस्ट की क्या रिपोर्ट आती है, फिर उसके बाद ही डॉक्टर कह रहे हैं कि मेडिसिन हम लिख के देंगे जो भी मसला होगा। तो घर में वो मैंने टेस्ट किया था शुगर का, तो उसमें तो वो सही नहीं आया, और डॉक्टर ने अब मुझे टेस्ट लिख के भेजे हैं वो भी, और किसी अच्छे लैब से डॉक्टर ने कहा है कि ये टेस्ट करवाओ, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। मुझे तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो परेशानी है ना नूरीन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जिस हाल में भी रखे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बार बार यही अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करूँगा। ये पुरानी गाड़ियाँ भी ना कभी किसी को रास नहीं आती, किसी इंसान को खा जाती हैं, खा जाती हैं। अब वो उसका कंप्यूटर जल गया, अब ना कोई बात ना कोई चीज समझ ही नहीं आई भी कैसे जल गया। हमारी तो इस गाड़ी का ना हर दूसरे दिन कोई ना कोई इशू ही रहता है, तंग आ गए हैं हम इसको ठीक करवा करवा के, समझ नहीं आती। अब 1,40,000 का तो वो कंप्यूटर है, अब वो काम भी खत्म हो गया दूसरा दिन है घर बैठे, लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा, कोई सबब बनाएगा अल्लाह पाक इंशाल्लाह। हिम्मत नहीं हारनी, अल्लाह पाक ने मेरी 100% अल्लाह पाक मेरी सुनता भी है, और अल्लाह पाक कोई ना कोई सबब भी बनाएगा, हल भी निकालेगा। हिम्मत नहीं हारनी इंशाल्लाह, हम आप भी और मैं भी हिम्मत से लगे हुए हैं, अल्लाह पाक कहीं से कोई ना कोई वसीला हल ऐसा बनाएगा कि सारी परेशानी हमारी एक दिन इंशाल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। और टेंशन नहीं लेनी इंशाल्लाह, रिपोर्ट भी सही आएगी। आप छीलो आलू, आलू छील के थोड़े रिलैक्स हो जाओ। मैं रिलैक्स ही हाँ, और ये इधर कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ तो हुए थे अभी तक नहीं मैंने समेटे, मैं इनको समेटती हूँ, रेहान इतना आलू छीलते हैं तो बच्चे भी आ जाएंगे, फिर बच्चों को खाना वगैरह भी देना है। बिल्कुल बिल्कुल, 100% बच्चों ने आ जाना है, फिर उन्होंने तो भोग भोग करनी है। बाकी मैं बीवी की हेल्प करने से भी ना काफी बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं और इंसान रिलैक्स भी हो जाता है, इसलिए ना मेरी हेल्प किया करो। नहीं, मैं आपकी हेल्प भी करूंगा, और मैं अपने व्यूअर से सिर्फ एक अपील करूंगा कि हमें दुआओं में याद रखें काइंडली, हमें दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है, सबको ही होती है, अल्लाह पाक से तो हर टाइम हर किसी को मांगना चाहिए। हाँ जी। तो हम अल्लाह पाक से ही मांगते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें देगा, तो हमें आपसे सिर्फ दुआओं की अपील है, आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक हमें इस परेशानी से निकाले। चलें जी जल्दी से, मैं भी अपने काम खत्म करती हूँ, इतना आलू भी छील जाएंगे, फिर मैं बनाऊंगी मज़ेदार सी आलू वाली टिक्कियाँ, और इसकी रेसिपी भी मैंने काफ़ी मरतबा शेयर की हुई है, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ इस तरीके से ये काफ़ी टेस्टी बनती हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया करेंगे, क्योंकि रेसिपी हमने शेयर की हुई है, तो हम उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देंगे, क्योंकि मैं इस चैनल पे पहले कुकिंग की ही वीडियो डालती थी इस चैनल पे, ये अब हमने स्टार्ट की है व्लॉगिंग साथ थोड़ी थोड़ी कुकिंग भी, तो इंशाल्लाह इस तरीके से जैसे मेरी मिसेज रेसिपी बनाती है, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है तकरीबन इनकी हर रेसिपी, तो आप भी अगर ऐसे ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। कोई चीज़ हम छुपाते नहीं, सीधे साधे बनते हैं, सीधी साधी रेसिपी हैं, हर चीज़ एक्यूरेट बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है हुरब, क्या कर रहे हो आप? स्विमिंग पूल बना के बैठी है इसको। लो जी, ये स्विमिंग पूल बन गया आपका, ये पता नहीं क्या कर रही है अभी।
ट्यूशन से आप आए हो और उसके बाद आप खेलने कूदने लगे हो, खाना नहीं खाया आप लोगों ने? खाना तो मम्मा बना रही है। मम्मा बना रही है खाना? पता नहीं मम्मा क्या बना रही है। तो यार चल के देखते हैं, आ जाओ, खुशबू आ रही है, आ जाओ देखते हैं मम्मा क्या बना रही है। भाई हम मम्मा से पूछते हैं कि बच्चों की मम्मा क्या बना रही है। लो जी किचन में आ गए हैं हम। ये तो तड़का लग रहा है प्याज को, ऐसे ही कहना पड़ता है नुरी? पूछो तो जाने। यार समझ नहीं आ रही ना, इधर ये चावल उबले हुए हैं थोड़े से, ये तड़का, ये कच्चा गोश्त, लगता है बिरयानी बन रही है। हाँ जी कच्चे गोश्त की बिरयानी, मजेदार। ये किसकी फरमाइश पे बिरयानी बन रही है? ये नबीहा की फरमाइश पे बन रही है जी, आपकी लाडली। 100% मेरी लाडली है, मेरी बेटी है। ये हूरब पता नहीं क्या कह रही है, वो तो हूरब कह रही है आप आइसक्रीम बना रही हो। आइसक्रीम चावलों वाली आइसक्रीम, चूल्हे पे बनती है आइसक्रीम? चूल्हे पे आइसक्रीम तो नहीं बनती बेटा। वो कह रही है वो आइसक्रीम कहीं वहाँ पड़ी है चम्मच और पता नहीं क्या क्या बता रही है। पूरब को तो मुझे लगता है आप आइसक्रीम ही बना रही हो जो आप हमसे छुपा रही हो। पूरब को तो अजीब अजीब ही ख्वाबो ख्याल आते रहते हैं। अच्छा और कच्चे गोश्त की बिरयानी? हाँ जी, और इसकी रेसिपी ना मैंने पहले भी अपने चैनल पे शेयर की हुई है, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हाँ जी, काफी टेस्टी बनती है ये। अच्छा बेटा कच्चे गोश्त की बिरयानी ये एक रेसिपी है, इस तरीके से भी गोश्त पक ही जाएगा फिर। ये भी यहाँ भी एक मर्तबा दोबारा ये झटपट सी दे दी इसकी रेसिपी। पहले मैंने इसको चिकन को ना अच्छी तरह से धो के इसको दही और बिरयानी मसाला नमक और कुटी हुई मिर्चें लगा के रख दी थी, तो उसके बाद मैंने चावलों को बॉईल कर लिया। ठीक है। टमाटर लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया। अच्छा चावल मैंने बॉईल किए हुए हैं, अब बस इसमें नीचे चिकन डाल दिया। ठीक है। पहले ये जो मसाला लगा हुआ चिकन था ये डाल दिया, लहसुन अदरक और टमाटर का पेस्ट डाल दिया। इस पे डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। ठीक है। और इसमें ना थोड़ा इस तरह पानी पानी सा होना चाहिए। अच्छा बिल्कुल ये खुश्क ना हो। अब इसके ऊपर ये जो चावल मैंने बॉईल किए हुए हैं ये मैं डाल दूंगी। सही है। और चावलों को भी ना ज्यादा नहीं बॉईल करना। ठीक हो गया, यानी कि दरमियाने? दरमियाने भी नहीं, बस एक एक दो उबाल आए चावलों को, बस सिर्फ एक या दो उबाल आने चाहिए, ज्यादा नहीं आने चाहिए। बस ये इसके ऊपर मैंने डाल दिया चावल। अब ये प्याज मैंने ब्राउन किए हुए हैं, जीरा इसमें डाला हुआ है, अब इसके ऊपर ये डाल दूंगी। सही है, बहुत ही टेस्टी ये बनती है और ज्यादा मेहनत भी नहीं इसमें लगती, जैसे दूसरी बिरयानी में तो वो कोरमा अलग से बनाना पड़ता है ना। वो डबल मेहनत होती है। हाँ। तो ये इसका मतलब है अभी आपने काम कर दिया, अब ये तैयार हो गई। बेटा आपको समझ आएगी, क्यों समझने की कोशिश करोगे तो समझ आएगी। अच्छा बस ये जर्दे का रंग ऊपर डाल दूंगी। ठीक है। और इसको ना मैं कवर करके रख दूंगी ऊपर वाले ऐसे। ठीक है। फुल पहले इसकी फ्लेम रखूंगी मैं 5 मिनट। अच्छा। लेके और 5 मिनट बाद इसकी मैं कर दूंगी लो फ्लेम। सही है। जैसे दम पे चावल लगाते हैं ना उससे थोड़ी सी तेज रहेगी। सही। और तकरीबन आधा घंटा इसको फिर उसी फ्लेम पे हम दम पे रखेंगे, मजेदार बिरयानी बनेगी। चलो जी बिरयानी तैयार हो जाएगी, तो टेस्ट करके मैंने और हुरब ने बताना है। आप लोगों ने भी खानी है, बताना मैंने और हुरब ने अभी कैसी बिरयानी तैयार हुई है। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज पढ़ के आ गया हूँ और इधर मैं बिरयानी भी तैयार है बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इधर हुरब की शरारतें, हुरब मिठाई बेचती फिर रही है, मिठाई बेच रही है, और अल्लाह की रहमत से अबीरा और बिस्मा नमाज अदा कर रही हैं। अल्लाह पाक बरकतें डाले, सब बच्चों को नमाज पढ़ने की तौफीक दे, सब बड़ों को, सब बड़ों बच्चों को, सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक दे और अच्छे अच्छे काम करने की। तो बिरयानी मुझे लगता है बहुत मज़ेदार और टेस्टी तैयार हो चुकी है। ये तो अब खा के पता चलेगा कैसी बनी है। वैसे
अल्लाह का शुक्र है, जितनी मर्तबा भी मैंने ये वाली बिरयानी बनाई है ना, बहुत टेस्टी बनी है। आज पता नहीं पूरा बताएगी आज कैसी बनी है। यम्मी। अभी तो आपने खाई नहीं, आपने पहले ही बता दिया। तो ये आप कौन बताएगा आइसक्रीम? हुरब ने जो कह रही थी ये आपकी आइसक्रीम है या बाबा बिरयानी, इसको समझे या आइसक्रीम? इसमें आइसक्रीम होगी। कैसी बनी है? अच्छा ये कैसी बनी है ये बताओ। फेवरेट बन गई है। ठीक है जी, खाने से पहले ये फेवरेट हो गई है। इसकी हर चीज फेवरेट होती है। नहीं माशाल्लाह दिखने में और खुशबू बहुत जबरदस्त आ रही है। बस अब बच्चे भी नमाज पढ़ लें ना, तो फिर बच्चे जैसे नमाज से फारिग होते हैं फिर इंशाल्लाह खाना लगाते हैं, खाना भी खाते हैं मजे से, मजेदार बिरयानी। वैसे लेट भी हो गया खाना, वैसे हम मगरिब की नमाज पढ़ के खा लेते हैं, आज इशा की नमाज पढ़ के खाएंगे। हाँ आज इशा की नमाज पढ़ के खाएंगे, रात भी बहुत हो चुकी है। तो माशाल्लाह जी टेस्टी बिरयानी तैयार हो चुकी है और अब इस वक्त खाना स्टार्ट हो गया है। और अब कि वही जिदें नम, पता नहीं क्या क्या कहती रहती है। कैसी बनी है बच्चों? मजेदार, मैंने तो कब से कर ली। टेस्टी बनी है, बहुत यम्मी। लेकिन टेस्ट करके असल में तो मैं बताऊंगा नूरीन। यम्मी, वेरी गुड। जब हुरब ने कह दिया यम्मी तो किसी और को तो कहने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई ही जबरदस्त बिरयानी तैयार हुई है माशाल्लाह। तो मैं भी खाती हूँ बिरयानी और यहीं करते हैं आज का व्लॉग खत्म। उम्मीद है आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। मजीद इसी तरह के व्लॉग देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।